कि उनकी कार शायद फंस गई है, अभी हम लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी कार और ये देखिए भाई पूरी ढकी हुई है पूरी। ये देखिए लिटरली पूरा पूरा पैर अंदर जा रहा है, ये देखिए ये देखिए। बार फटा रहा था गाड़ी निकालने के लिए और ये उंगली कट गई। और गाइस ये मैं आसमानों की ऊंचाइयों में, ये देखिए बहुत ऊपर है भाई, बहुत ऊपर। भाई फोन गिर गया तो मिलेगा नहीं, लैंड करा दे। ओ, बात तो खेतों ले ले यार। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा डे टू मनाली में और ये देखिए भाई आज धूप भी निकल आई है प्यारी प्यारी। हाँ आज फाइनली धूप निकलने की वजह से रास्ते खुल गए होंगे और शायद आज हम लोगों को अटल टनल जाने को मिल जाए शायद, तो जो भी होगा बता देंगे। बाकी आप बस ये एंजॉय करिए प्यारा सा व्यू और मिलते हैं थोड़ी देर में। और सामने प्रज्वल हेल्प कर रहा है उन लोगों की, उनकी कार शायद फंस गई है, अभी हम लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी कार और ये देखिए भाई पूरी ढकी हुई है पूरी। बहुत प्यारी जगह है यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, उदयपुर और बाद में ये मनाली लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीजन में से एक। तो गाइस स्नो देखिए, मतलब दिख भी नहीं रही थी कार, इतना स्नो था। अब प्रज्वल साफ कर रहा है नीचे, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कब ऊपर आए, फिर हम लोग यहाँ से चेकआउट करें और हमारा दूसरे उसमें है और ये कार फंसी हुई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, यहाँ तो यही 4x4 सबसे बेस्ट है। स्नो फोर लिटरली दो दो फीट की जम चुकी है। पता नहीं आज भी जा पाएंगे या नहीं। गाइस ये देखिए लिटरली पूरा पूरा पैर अंदर जा रहा है, ये देखिए। तो गाइस अभी भी जाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कार जो भी हमारे होटल के नीचे लगी हुई थी सब फंसी पड़ी हैं, सब इधर उधर हो रही है, कुछ नहीं निकल पा रहा है। दिमाग खराब हो रहा है यार, कल का दिन खराब हुआ, आज का दिन भी ऐसे ही जा रहा है, 1:30-2 बज रहा होगा अभी और अभी तक हम लोग कहीं भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और मनाली जाने कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मनाली हम यार 2-3 बार आ चुके हैं, सब घूमा हुआ है, जब टाइम बचेगा तो हिडिम्बा चले जाएंगे, बाकी तो मनाली में ऐसा कुछ है नहीं, तो वही चीज़ है बस वेट कर रहे हैं यार। ऐसी धूप निकली रहा है क्योंकि धूप निकलती है और फिर छुप जाती है थोड़ी देर में, तो यार फिर से वही हो जाता है। ये चीज़ है ना, ये ब्लैक आइस अगर बन गया, ये जब धूप नहीं होती तब होता है, जब गाड़ियाँ निकलती जाती है, तो वही है। अगर ऐसी धूप निकली रही तो रास्ते क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल तो ये बिल्कुल बंद है, सोलांग तो बंद है, जबकि सोलांग यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ भी जाने नहीं दे रहे। बहुत प्यारा यार, लेकिन भाई ये प्यारा प्यारा देख के हम लोग तो गए थक। अब अपने को चाहिए खुले पहाड़, कंजेस्टेड नहीं चाहिए, बोर हो गए। फिलहाल आप लोग मजा लीजिए और हम लोग वेट करते हैं, ऐसे ही सूर्य देवता निकले रहे हमको जाने को मिल जाए। तो गाइस अभी हमें आउट मनाली कैफे में और यहाँ कर रहे हैं नाश्ता, ठीक है। हमको घर जाना है। क्या घर जाना? घर जाना क्या, सोलांग जाना है? जाने को मिला तो घर जाना है। घर जाना है तुमको? बोल लग रही जूते भीग गए हैं यार, मुझे बड़ा मजा आ रहा, मेरे पास तो जूते भी यहाँ वाले हैं बिल्कुल। भाई मैं तो पूरी तैयारी से आया था, और सबसे ज्यादा जल्दी इन्हीं लोग होती है, दोनों ही भूल के आए हैं। जबकि हम लास्ट टाइम जब आए थे हम तीनों ने ही लिए थे यहाँ के लिए शूज, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत परेशान हुए थे नॉर्मल शूजों में। तो चलिए कोई बात नहीं, अब ये फिनिश करते हैं और मौसम खुलने का वेट करते हैं, अगर खुल जाएगा तो कार लेके निकलेंगे और जाएंगे सोलांग, ठीक है। बाय। आप लोग बोर नहीं होते? मतलब देखते ही रहते हो यार, हम लोग तो बाहर से आए हैं। बिल्कुल नहीं, तो हर बार का एक अलग लगता होगा यार, इसलिए तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं। कहाँ से हो वैसे आप? चंडीगढ़ से। ओ भाई मैं कहूँ यार इनका एक्सेंट ही नहीं, एक्सेंट ही लग रहा है यहाँ का, मैं पूछने वाला था। रेंट पे लिए प्रॉपर्टी पर। तो ये है हृदय भाई और ये यहाँ के मतलब ओनर है, दो लोगों ने मिलके प्रॉपर्टी ली है भाई, काफी ज्यादा प्यारी है। मतलब जो पहले वाला जो ओल्ड मनाली में जो है हॉस्टल वो इतना ठीक है, मतलब थोड़ा पुराना टाइप का है, बट ये वाला बहुत ही ज्यादा प्यारा शानदार। क्रेडिट दोस्तों हृदय भाई, चलो चलते हैं यार, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाएगी, बाकी फिर दिखाते हैं आपको। का तो सिस्टम ऐसा है कि सोलंग में बैरिकेडिंग की हुई है, उसके आगे नहीं जाने देंगे, उसके आगे 4x4 भी नहीं अलाउड। अच्छा हाँ,
और नेहरू कुंड से आगे सिर्फ 4x4 जा रही है। तो गाइस अभी बर्फ हटा रहा था गाड़ी निकालने के लिए और ये उंगली कट गई। चलिए लेते हैं बैंडेड और फिर निकलते हैं सोलांग की तरफ। तो गाइस भगवान का नाम लेके 2 दिन बाद निकल रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। अब देखते हैं कहां तक जाते हैं। सामने तो भाई स्नो स्नो है हर तरफ और अभी तक तो कोई दिक्कत हो नहीं रही चलाने में, पर चलो तारा है। बाकी देखते हैं जो भी होगा आप देखेंगे। बड़ा हमारा बस यही है यहाँ से निकल गए ना तो बस फिर तो निकल गए। ये देखिए ब्यूटीफुल। तो गाइस पुल तो हम क्रॉस कर रहे हैं, इतनी दिक्कत नहीं हुई जितना सोचा था। ये देखिए चलिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने ले ली है 2 ATV, एक पे प्रज्वल है, एक पे मैं और दानिश। तो चलिए चलते हैं क्योंकि कार जाना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। आप देख ही लीजिए बाकी सारी पार्किंग बंद है। चलिए चलते और दिखाते हैं भाई, बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो गाइस वी आर इन सोलांग वैली राइट नाउ और कुछ ये नज़ारा है, ये देखिए। अब जानते हैं शांति में और बढ़िया बढ़िया रील बनाते हैं, ठीक है। प्रज्वल पता नहीं कहाँ, प्रज्वल अकेले वाली ATV में था और वो आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है ये लोग, कॉल भी नहीं उठ रहा उसका। मैं और दानिश आ गए हैं फिलहाल, वो देखिए सामने दानिश है अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको प्यारे प्यारे नज़ारे। अभी हमने ऑर्डर किए थे मोमोज, खाते हैं, भूख लग रही थी यार। प्रज्वल अपना शूज़ पहन रहा है, दानिश भाई बैठे खा रहे हैं और कुछ ऐसा लग रहा है। चलिए अभी एक दो एक्टिविटीज भी करनी है, देखते हैं करते हैं या नहीं, मन तो हो नहीं रहा मेरा। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं जिप लाइन करने, ठीक है चलिए दिखाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जिप लाइनिंग करने। दानिश करोगे? दानिश ने तो हार मान ली यार, उसके शूज में बर्फ घुस रही है। और गाइस ये मैं आसमानों की ऊंचाइयों में, ये देखिए बहुत ऊपर है भाई, बहुत ऊपर, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड करा दे, लैंड करा दे। तो गाइज एक राइड तो हो गई है, मतलब हम अपोजिट साइड आ गए, अब यहाँ से उधर जाना है फिर से रोप में। चलिए चलते हैं, मजा आ गया। हाँ जाओ जाओ जाओ। भाई फोन गिर गया तो मिलेगा नहीं, लैंड करा दे। ओ, पास तो चेतो ले ले यार, लैंड करा दे। तो गाइज कर लिए जिप लाइन और आप लोगों ने देख ही ली होंगी वीडियोस, मजा आ गया। आ रहे हो मनाली ये चीज जरूर करो, मतलब कहीं भी हो जहाँ भी हो। अभी तो मैंने किया नहीं है, इससे पहले प्रज्वल ने एक बार किया था तो हमारी हवा खराब हो गई थी, मैंने नहीं किया था लेकिन मजा आ गया। चलिए चलते हैं, दानिश ने किया नहीं तो कह रहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, वो दो में मतलब भेज रहे थे, अब दानिश अकेला बचा अब मना कर रहा है। चलिए कोई नहीं अब चलते हैं दिखाते हैं आपको। गाइज ये देखिए ये घर बने हुए हैं यहाँ पर लोगों के, और भाई देखिए इतने बर्फ में भी ये लोग रहते हैं अंदर। यार कमाल की इम्यूनिटी होगी इन लोगों की यार, हम लोग तो इतनी देर में थक गए, मतलब चलते ही चलते थक गए, और भाई यहाँ के लोग सैल्यूट यार, कितनी मुश्किल वाली ज़िंदगी है यार यहाँ पर लोगों की। वो देखिए सामने अंकल आ रहा है कुछ लेके। हाँ तो भाई ये देखिए दूर दूर तक तो मतलब घर है और लोग रहते हैं यहाँ पर, हम सोच भी नहीं सकते। 1-1.5 घंटा काटना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ऐसी कोई ठंड तो नहीं लग रही हम लोगों को, लेकिन फिर भी मतलब बर्फ के बीच में रहना बहुत मुश्किल है। चलिए कोई नहीं।
गाइस अभी हम लोग आ गए वापस और मंगाई है कॉफी। चलिए इसको करते फिनिश और फिर चलते हैं रूम में। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज द लास्ट डे और बाकी ये रही कॉफी, इसको फिनिश करते हैं। कॉफी नहीं चाहिए तो इसको फिनिश करते हैं और यहाँ से सीधे निकलते हैं, ठीक है। तो गाइज ना चाहते हुए भी हमें इस जगह को बाय करना पड़ेगा। ये देखिए आज बढ़िया सी धूप निकल आई, कल से भी अच्छी, ठीक है। अब स्नोफॉल मतलब ये लास्ट ही था, अब इसके बाद एक या दो बार और होगी शायद अगर हुई तो। वैसे ये लोग तो बता रहे हैं सीजन की लास्ट है, क्योंकि 15 फरवरी के बाद फिर होती है, मतलब 15 जनवरी के बाद फिर मुश्किल ही होता होना। तो भाई चलिए यार चलते हैं, फिर जल्द निकाल रहा है कार। चलो संजय भाई मिलते हैं, ठीक है, बहुत जल्द। थैंक यू भाई, ध्यान रखना अपना। हाँ आएंगे फिर, अब तो बस यहीं रुकेंगे। कांच टूट गया, कांच काय कट कांच, अच्छा वो ये सारा कांच टूट गया। चलो ठीक है भाई बाय। हाँ तो गाइस वी आर लिविंग मनाली नाउ और ये देखिए भाई यहाँ दूर दूर तक बर्फ हो गई है। और जब हम आए थे बिल्कुल सूखा पड़ा था, कुछ भी नहीं थी उस दिन मनाली तक, बिल्कुल सूखा पड़ा था। बुरवा में हुई थी स्नोफॉल पहले दिन और फिर कल रात में शायद यहाँ पर हुई है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो ये देखिए भाई कुछ ऐसा व्यू है अब, ठीक है। अब तो यार अच्छे खासा सूरज निकल आया तो सब कुछ अब पिघल रहा है और काफ़ी लोग अब जा भी रहे हैं। चलिए तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। प्रज्वल यहाँ खड़ा हुआ है, राफ्टिंग करने का मन है तो उसी का रेट वेट ले रहा है। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें उदयन फैमिली ब्लॉग्स। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, बाय।